इफ क्वेश्चन देखो बेटा, इफ वाई इज इक्वल टू होल अंडर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ टेन एक्स प्लस सो ऑन इन्फिनिटी, शो दैट डी वाई बाई डी एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन टू वाई माइनस वाई निकालना है। ओके ना, वेरी सिंपल बेटा। यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपने एक मॉडल सीख लिया तो बाकी सब आ जाते हैं, वैसे ही करना है। बस चेंज एक बताता हूँ कहाँ पे चेंज आता है। टेन एक्स प्लस इसको क्या लिख लेते हैं बेटा, ये रिपीट हो रहा है इसलिए इसको मैं वाई वाई डाल देता हूँ। तो वाई इक्वल क्या हो बेटा, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेता हूँ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किए तो क्या हो जाता है बेटा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या आता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड को वाई स्क्वायर इंटू टेन एक्स प्लस कितना आ जाता है बेटा, वाई आ जाता है। तो वाई स्क्वायर वाई टर्म एक तरफ ले लेता है बेटा, इज इक्वल टू कितना आ जाता है, टेन एक्स आ जाता है। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा आपको, यहाँ पे टू वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। और वाई का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, अगेन डी वाई बाई डी एक्स। टेन एक्स का डेरिवेटिव आपको क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन निकालता हूँ तो बचेगा क्या बेटा, टू वाई माइनस वन बचेगा और इज इक्वल टू कितने बेटा, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख लेता बेटा, इसको डिवाइड करूंगा तो सीकेंट स्क्वायर एक्स अपॉन टू वाई माइनस वन। चलो देख लो बेटा आपका जो प्रूफ है वो जो बोला गया प्रूफ आ गया, टू वाई माइनस वन सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टू वाई माइनस वन इज द फाइनल आंसर। ऐसे वाले बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान देना। टैन के जगह बस दूसरा कुछ आता है इसमें, जो लॉग आया या कोई दूसरा आया, साइन आया, तो अपन आंसर क्या लिख लेते बेटा, डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू पूरा सेम लिखना है। साइन की जगह क्या लिखते, कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ टू वाई माइनस वन लिख देना बस। लॉग एक्स आया समझो अंडर रूट के अंदर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या लिखते बेटा, वन अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाई एक्स होता है, उसलिए एक्स इंटू टू वाई माइनस वन बोल के लिख सकते। बस इतना ही फर्क बेटा, जो चीज़ है उसको डेरिवेटिव और एक मेथड सीखे तो बाकी ऐसे में कौन सा भी मॉडल आया तो आप सॉल्व कर